बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि इस उम्र में भी महानायक काफी फिट एंड फाइन नजर आते हैं, ऐसा आपको लगता भी होगा। लेकिन आपको इस बात से रूबरू करवा दें कि महानायक खाने पीने के बहुत ही ज्यादा शौकीन भी है। उन्होंने कभी भी किसी और बॉलीवुड स्टार की तरह अपनी डाइट और फिटनेस पर कभी ध्यान नहीं दिया है। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने एक किताब के लोकार्पण समारोह में ये बात अपने फैंस को बताई भी थी। हालांकि आगे उन्होंने यह भी कहा था कि जब वे फिल्में किया करते थे तो कभी अमिताभ बच्चन ने अपने फिटनेस और एक्सरसाइज करने की जरूरत महसूस नहीं की। इसके अलावा जिस कंट्री या स्टेट में जाते थे वहां की फेमस डिशेस का जायजा लेना कभी नहीं भूलते थे। तो वहीं आपको आगे बताते चले कि 2014 में अमिताभ बच्चन की फिल्म पीकू के दौरान उन्होंने कोलकाता की कचौड़ी और जलेबी का लुफ्त भी उठाया था, लेकिन वह कचौड़ी जलेबी उनकी सेहत पर काफी हद तक भारी पड़ गई थी। उन्होंने उस वक्त काफी मेडिसिन भी लिया था। तो वहीं आपको इस बात से रूबरू करवा दे कि अमिताभ बच्चन ने कुछ समय पहले मांसाहार खाना बंद करने के साथ मिठाई और सिगरेट से दूरी बना ली है। हालांकि आज के समय अमिताभ बच्चन एक्सरसाइज और जिम का सहारा लेते हैं, साथ ही योगा करना नहीं भूलते। तो वहीं आपको आगे बता दें कि अमिताभ बच्चन टीबी, लीवर, सिरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियों के शिकार रह चुके हैं, लेकिन महानायक ने अपनी इस बीमारी को आसानी से मात दिया और आज भी फिल्मों में अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हेपेटाइटिस बी के कारण बिग बी का 75% लीवर खराब हो चुका है। आपको इस बात से भी रूबरू करवा देते हैं कि महानायक सिर्फ और सिर्फ 25% लीवर पर ही जिंदा है, जो बेहद ही हैरान करने वाली बात है कि 75% लीवर पर जिंदा रहने वाले बिग बी आज भी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं, यानी लोगों के दिल पर राज करते हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि महानायक डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से भी जूझ चुके हैं। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।